प्लस के शो इमली से मालनी अवस्थी यानी कि एक्ट्रेस मयूरी देशमुख की एग्जिट हुए लंबा वक्त बीत चुका है। इस शो में मालिनी ने नेगेटिव रोल निभाया था, जो अपने पति आदित्य को पाने के लिए इमली, जो कि उसकी बहन होती है, उसी की जिंदगी पल पल बर्बाद करती रहती है। शो से बाहर हुए बेशक मयूरी को लंबा वक्त हो चला है, लेकिन इन दिनों मयूरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। मयूरी देशमुख इन दिनों एक्टिंग से दूर है, वो देश के कोने कोने को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कभी पहाड़ों में तो कभी झरनों में तो कभी समंदर किनारे वो अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं। बल रियल लाइफ में मयूरी काफी प्यारी हैं, जो अपने जीवन के पल पल को एंजॉय करती हैं। लेकिन मयूरी की लाइफ में काफी कुछ ऐसा हुआ है जो आप सुनेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। दरअसल मयूरी देशमुख ने 20 जनवरी 2016 में शादी भी की थी। उन्होंने मराठी एक्टर आशुतोष भारके के साथ सात फेरे लिए थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शादी के 4 साल बाद ही उनका सुहाग उजड़ गया था। हुआ ये था कि जब 2020 में लॉकडाउन लगा तो मयूरी के पति डिप्रेशन का शिकार हो गए। उनकी उम्र तब 32 साल थी। उन्होंने अपने ही घर में पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया था। इस वाक्य से एक्ट्रेस बुरी तरह से टूट गई थी, लेकिन उन्होंने अपने गम को खुद पर हावी नहीं होने दिया। अब मयूरी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। बता दें कि मयूरी के घर में उनकी मम्मी, पापा, भाई और बहन भी हैं। उनके पिता इंजीनियर हैं, तो माँ घर संभालती हैं। वहीं भाई अनूप देशमुख और बहन लीना हैं। वैसे बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि उन्होंने डेंटल सर्जन की पढ़ाई की है। इसमें वो ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, मगर लाइफ में चीजों ने ऐसी करवट ली कि वो इस चमक धमक वाली दुनिया में आ गई। यहाँ उन्होंने अपने दम पर काफी नाम कमाया। आपको बता दें कि मयूरी ने अपने करियर की शुरुआत नाना पाटेकर के साथ मराठी फिल्म डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे से की थी। ये मूवी साल 2014 में आई थी। फिलहाल मयूरी ब्रेक पर है, लेकिन उनके फैंस को उनकी वापसी का, उनके नए प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार है।